नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ फायका जावेद और आप देख रहे हैं मेरे और आपका यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हर बार पॉडकास्ट होते हैं और हर बार हमारे साथ मुख्तलिफ शख्सियात जुड़ती है, पाकिस्तान से, हमारे कश्मीर से, हमारे भारत से बहुत सी पर्सनैलिटीज जुड़ती है। आप लोगों तक बहुत से मसले मसाइल पर बातचीत होती है और बहुत से मुद्दों पे हम लोग बातचीत करते हैं और आप लोगों तक फैक्ट्स और प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो आज हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं मुजफ्फर चौधरी सर, जिनको ऑलमोस्ट आप लोगों में से सब लोग जानते होंगे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक यूट्यूबर है और पाकिस्तान में जो है रोशनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम कह सकते हैं कि एक सच्चा काम करते हैं और फैक्ट्स पर बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला और आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगी अपनी चैनल पे। थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया। नमस्कार आपके देखने वालों को, आदाब, सत श्री अकाल। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल पर मधु किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच कि आप हमेशा आते हैं हमारे ऑडियंस के लिए टाइम निकालते हैं और फैक्ट्स पे बात करते हैं। इसके लिए आपका अगेन शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। वेल, आज हम बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत करते हैं, लेकिन आज वर्ल्ड कप चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच था। 198 टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को और इस टाइम पे खुशी से कहना पड़ रहा है कि एक बार फिर से भारत भारत चौके पे चौका मार रहा है और आज फिर से इंडिया की जीत हो चुकी है। क्या कहना चाहोगे इस मौके पे आप? जी बहुत ही खुशी की खबर है हमारे जो इंडियन भाई हैं। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा। मैच इस वक्त खत्म हो चुका है और 199 बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने, और उसके जवाब में इंडिया ने जो स्कोर है वो चेस कर लिया है 41.2 ओवर में। तो 52 बॉल अभी स्पेयर पड़ी थी, तो बहुत ही अच्छा खेला इंडिया। हालांकि स्टार्ट के अंदर 3 विकेट जो है ऊपर नीचे गिर गई थी, लेकिन उसके बाद में रोहित शर्मा और केएल राहुल ने बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप जोड़ी और उसको अख्तिताम तक लेकर गए। केएल राहुल, उन्होंने 97 स्कोर किया, और जबकि कोहली जो है वो पहले आउट हो गए थे 85 पे। तो दोनों ने बहुत ही शानदार इनिंग खेली है। हालांकि बहुत ही एक मुश्किल विकेट थी जिसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो पहले इंडियन जो बॉलर थे उनकी मैं तारीफ करना चाहूंगा, जो जडेजा थे उन्होंने बहुत ही अच्छी और नपीतुली बॉलिंग की। उसके साथ साथ बुमराह, बल्कि तमाम जो बॉलर थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और उनको 199 पर आउट करके, और बाद में जब शुरू में ऊपर तले 3 खिलाड़ी जब आउट हो गए थे, इंडिया के 2 पर 3 आउट थे, तो एक दफा दिल डरा कि यार ये कहीं गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन उस वक्त फिर जो आप देखे, क्लास क्लास ही होती है। जो मर्जी जितना मर्जी दुनिया का बड़ा बैट्समैन है, लेकिन विराट कोहली जैसा बैट्समैन मैं समझता हूँ आजकल के दौर में, इस जो अभी रिसेंटली जितने भी प्लेयर हैं, विराट कोहली से अच्छा बैट्समैन दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। तो विराट कोहली ने बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली, उसके साथ भरपूर साथ दिया केएल राहुल ने, और दोनों ने मिलकर जो है एक जो भारत की एक कमजोर उस वक्त पोजिशन थी उसको उससे बाहर निकाल कर एक बड़ी ही अच्छी फतह दिलाई है। और ये मैं समझता हूँ कि ये बुनियाद रख दी है कि वर्ल्ड कप जीतने की तरफ भारत ने, इंडिया ने ये पहला जो स्टेप है वो पार कर लिया है। और कल इसके ऊपर मैंने बात की है हमारे जो यहाँ पर जो फैसलाबाद के अंदर जो स्टूडेंट थे, सारे वो यही कह रहे थे कि इंडिया की जो बॉलिंग है वो बहुत ही बड़ी इफेक्टिव है। तो 199 पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया की इतनी मजबूत जो बैटिंग लाइन को जो ढेर कर दिया था उसको बड़े अच्छे तरीके से बाद में फिर इंडिया के बैट्समैनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से खेल कर और ये टारगेट जो है वो अचीव किया। तो दोनों इसमें दोनों का क्रेडिट है, पहले बॉलिंग बड़ी अच्छी की, बहुत अच्छी जबरदस्त बॉलिंग की, उसके बाद में अब बैटिंग भी बहुत ही अच्छी की, और सिर्फ 4 विकेटें गिरी, 3 विकेटें तो 2 स्कोर पे गिर गई, और बाद में सिर्फ कोहली आउट हुए और स्कोर जो है चेस हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी एक फतह है, बहुत ही अच्छी एक विक्ट्री है इंडिया के लिए, और बाकी सारी टीमें जो है वो इस विक्ट्री से, मैं समझता हूँ कि भारत से मजीद खौफजदा हो जाएंगे, जिस तरीके से इन दोनों ने एक मुश्किल और बहुत ही नामुमकिन टारगेट को जो है वो, क्योंकि 3 खिलाड़ी अगर आपके 2 स्कोर पे आउट हो जाते हैं तो जो आने वाले खिलाड़ी उनके ऊपर पूरा प्रेशर पड़ जाता है, लेकिन दोनों ने बड़े अच्छे तरीके से इस प्रेशर को हैंडल किया, कोहली और केएल राहुल ने। और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा आपको भी
और हमारे जितने भारतीय दोस्त हैं जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको बहुत ही बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से। और मैं एडवांस में सारे भाइयों को कहता हूं कि ये भारत का ये वर्ल्ड कप जीतने की तरफ एक पहला जो कदम है वो भारत ने रख दिया। जी बिल्कुल, लेकिन वेल आपसे जानेंगे आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान मैच हो रहा था, तो आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे बींग ए पाकिस्तानी, क्योंकि देखिए जी, पाकिस्तानी मेरी रहता है मेरी कि वर्ल्ड कप में सिर्फ इंडिया। दो टीमें हैं, मेरी वर्ल्ड कप में सिर्फ दो टीमें, एक पाकिस्तान और दूसरी इंडिया, मेरी कोई तीसरी टीम नहीं है। मैं जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा तो जाहिर बात है मैं फिर पाकिस्तान को ओबियसली, भी तो जब सपोर्ट करूंगा। पाकिस्तान, अब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा तो आप किसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पर रहते हैं, तो ये बात की हमें जरूरी रहेगी कि आप किसको सपोर्ट करेंगे। देखें, मैं सपोर्ट तो पाकिस्तान को करूंगा, लेकिन मेरी हमदर्दियां भारत के साथ भी होंगी, और अगर भारत हारेगा तो मुझे दुख जरूर होगा, उतनी खुशी पाकिस्तान के जीतने की नहीं होगी अगर पाकिस्तान जीतता है, लेकिन मुझे दुख होगा। इसी तरीके से अगर भारत जीतेगा तो मुझे भारत के जीतने की खुशी भी होगी और साथ में पाकिस्तान के हारने का दुख भी होगा। ये दोनों चीजें ये समझ लें कि जाहिर है मैं पाकिस्तानी हूं तो मैं यहाँ पर मेरा ज्यादा सपोर्ट पाकिस्तान की तरफ होगी, लेकिन बिल्कुल मेरी हमदर्दियां और मेरी जो ख्वाहिशात हैं, जो मेरे जज्बात हैं, वो भारतीय टीम के साथ भी जरूर होंगे। वेल इंशाल्लाह जीतेगा तो सिर्फ और सिर्फ भारत ही, क्योंकि भारत हर जगह पे चौके पे चौका लगा रहा है और हमें अपनी भारतीय टीम पर पूरा भरोसा है। खैर, आपको आज के मैच का बता दे, आज के मैच का आपको क्या लगता है कि मैन ऑफ द मैच किस इंसान को होना चाहिए था आपके हिसाब मैन से? ऑफ द मैच, देखिए जी, जडेजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, जडेजा जो है वो डिजर्व करते हैं। उसके साथ साथ देखें, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर केएल राहुल भी इसके उम्मीदवार हैं, कोहली भी हैं, ये तीनों ही जो है वो हैं इसके उम्मीदवार, लेकिन जो है ज्यादातर मैं देख रहा हूँ कि जो रविंद्र जडेजा जो है उनको मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कमर तोड़ी है ऑस्ट्रेलिया की टीम की, तो उनको जो मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए। बाकी देख, तीन मेन प्लेयर ही थे, एक तो जडेजा थे और दूसरे केएल राहुल हैं और विराट कोहली, ये तीनों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई भारत की तरफ से, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बुनियाद रखी है, जो स्टार्ट अच्छा जो बॉलिंग का किया था वो उसका क्रेडिट मैं दूंगा जडेजा को, कि जडेजा लेकिन की वजह से जो है वो 14 तारीख को जी। मैच होने वाला है इंडिया पाकिस्तान का, तो उस हिसाब से हम क्या, मतलब इस लोगों में किस किस्म की तड़प है? पाकिस्तान में आप रहते हैं, आप पब्लिक में रिएक्शंस लेते हैं, तो आपको क्या लगता है लोग किस तरीके से एक्साइटेड है? लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने बहुत ही कमजोर स्टार्ट लिया है, जो नेदरलैंड की टीम के खिलाफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा स्कोर नहीं बनाया और बॉलिंग भी इतनी अच्छी नहीं की, उनके जो एक खिलाड़ी थे डिलेडे वो जम गए थे, मुझे तो लगता था कि वो कहीं मैच ही ना पाकिस्तान को हरा दे, तो ये अब लोगों को ये जोश तो होता है कि इंडिया के साथ जब भी मैच होता है तो पाकिस्तान के अंदर जोश तो होता है, लेकिन अब इतने लोगों के अंदर ये है डर, एक खौफ सा है कि पाकिस्तान जीत नहीं पाएगी, ये खौफ पाकिस्तानियों के अंदर पाया जाता है। उसकी मेन वजह ये है कि पाकिस्तान के पास जो एक उनका मेन जो बॉलर था नसीम शाह, वो इस मैच में, इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे, वो अनफिट हैं, तो इस वजह से जो मेन हमारी बॉलिंग लाइनअप है वो भी काफी कमजोर हो चुकी है, उसका भरपूर फायदा इस दफा इंडिया उठाएगा। और इंडिया तो दोनों, देखें इंडिया के दोनों डिपार्टमेंट ही बहुत जबरदस्त हैं, उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, उनकी बैटिंग भी बहुत अच्छी है, तो ये फर्क जरूर पड़ेगा। और पहले जो मैच थोड़ा सा होता था डट के होता था, लेकिन यहाँ पर मुझे इस दफा जो मैच है वो पाकिस्तान के इंडियंस की टीम जो है वो बीफ पे फोकस नहीं करती है, वो ये दिन नहीं देखती कि दूसरी कंट्री में बीफ मिला, पोर्क मिला, वो बस स्ट्रेंथ पे फोकस करती है, वो बस अपने गोल पे फोकस करती है, तो वो बस मतलब पाकिस्तानी की तरह, वो सपोर्ट्स में भी अगर पॉलिटिक्स आ जाए तो वो टीम कैसे जीतेगी, वो स्पोर्ट्स में कैसे आगे बढ़ेंगे? दे आर ट्राइंग टू क्रिएट पॉलिटिक्स इन सपोर्ट्स, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि दे आर गोना विन इन एनी मैच? तो मुझे लगता देखे, है कि एज लॉन्ग एज पीसीबी के जो चेयर पर्सन थे उन्होंने ये बोला कि जी हम दुश्मन मुल्क में जा रही है हमारी टीम, तो उनको जी सपोर्ट करें, उनको बैकअप करें। देखे कितनी गलत बात उन्होंने की है,
और ओब्वियसली पाकिस्तान की हमेशा से ये आदत रही है कि ये लोग ये कहते हैं कि जी हमने परफॉर्मेंस पे नहीं जीतना, ये कहते हैं कि जी आप लोग यहाँ पर हम जा रहे हैं खेलने के लिए जा रहे हैं, हमने मेहनत इतनी नहीं करनी, आप यहाँ पर मसल्ले के ऊपर बैठ जाएं, आप नमाज पढ़े और हमारे लिए दुआ करें। तो ये जब ये इस तरह की सूरत हाल हो और टीम भी वैसे ही इस तरह की हो तो फिर दुआओं से ही काम चलता है। आप देखें कि हमारे जो जितने भी प्लेयर है वहां पर भी जो बैठे होते हैं ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए वो तस्बीहें कर रहे होते हैं। आपने देखा अक्सर जो हमारे रिजवान है या जो भी है सारे खिलाड़ी वो तस्बीहें पढ़ रहे होते हैं कि या अल्लाह हमें मैच जिता दे, या अल्लाह हमें मैच जिता दे, या अल्लाह हमें मैच जिता दे। इस तरह मेहनत के नहीं जब हालात हो करते, तो जी मेहनत नहीं ओब्वियसली करनी, हमने मेहनत नहीं करनी, हमने सारा काम जो है पाकिस्तान के अंदर सारा काम जो है वो अल्लाह के ऊपर छोड़ा जाता है कि भाई जो हमारा काम हमारे जुम्मे का काम है वो अल्लाह ने करना है, हमने सिर्फ दुआ मांगनी है या तस्बीहें करनी है, हमने बस हम मेहनत नहीं हमने करनी, ना ही हमने परफॉर्मेंस बिल्कुल दिखानी है। तो जब ये इस तरह की गलत, चीज होगी तो पाकिस्तानियों की फिर तो ये आदत है जी, तो जी। इस दफा जो है वो इंडिया की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और मेंटली भी हम प्रिपेयर हो चुके हैं, पाकिस्तानी इस दफा मेंटली प्रिपेयर है कि जी पाकिस्तान अब इज्जत के साथ लड़ के ये हार जाए तो हार जाए तो वो हम कबूल कर लेंगे, ये ना हो कि वन साइडेड मैच हो, पाकिस्तान 150-200 पे आउट हो जाए और इंडिया जो है एक खिलाड़ी आउट पे वो सारा चीज कर ले, या इंडिया जो है वो 350-400 स्कोर कर ले और बाद में पाकिस्तान 150 स्कोर पे आउट हो जाए, इस तरह का मैच ना हो कि हमारे पल्ले कुछ रहे ना, हम आपको मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि मैच जरा थोड़ा सा फंस के हो, के थोड़ा क्लोज मैच हो, बेशक पाकिस्तान हार जाए हमें ये कबूल है कि बेशक पाकिस्तान हार जाए लेकिन वन साइडेड मैच ना हो, कम से कम हमारी कुछ इज्जत जो रही सही इज्जत है वो तो बच जाए। और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो उसने बड़ी मुश्किल होगी जीतने में, जीतना तो नामुमकिन सी बात है, बिल्कुल चलो चलो लड़के ही कुछ हार जाए, ये हम ये हाँ ये हमारी ख्वाहिश यही आखिरी, वो कहते हैं ना बंदे की आखिरी ख्वाहिश क्या गॉड, है, तो हमारी आखिरी ख्वाहिश ये है कि हम लड़के हारें, जो भी है हम लड़के हारें, ऐसे वन साइडेड मैच ना दे दें। लड़की तो आप कभी नहीं हार सकते, आई डोंट थिंक सो कि लड़के ऐसा वो कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो गंदा हारते हैं बहुत ज्यादा उस टाइम पे, बहुत ज्यादा अंदर के सेंटिमेंट्स पाकिस्तानी के हर्ट हो सकते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, हम ये सो कहते हैं जिस तरह लेट्स होप फॉर द आपने बेस्ट। एशिया कप में आपने श्रीलंका को हराया था ना, इस तरह ना हमें हराना, बस ये हम ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह ना हराना, वो अच्छे तरीके से ऑब्वियसली हराना, कोई वैसे ही क्लोज हराएंगे, मारने के एंड साथ मुझे पूरा भरोसा है अपनी इंडियन टीम पर और उनकी उनके साथ हजारों करोड़ों इंडियंस की ब्लेसिंग्स जुड़ी हुई है, और होप फॉर द बेस्ट, इंडिया ही जीतेगा आने वाले मैच में। और आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, हमें ज्वाइन किया, हमें बहुत सारे फैक्ट्स बोले, और आज के मैच के रिलेटेड क्या कुछ इन्फॉर्मेशन थी हमारे साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते रहेंगे पॉडकास्ट में, फिर से मुजफ्फर चौधरी सर से हम बातचीत करते रहेंगे, और मुद्दों पे बातचीत करते रहेंगे, और लोगों को बुलाते रहेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहे, बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू।